नमस्कार सभी को। मैं भगवानाराम गोदारा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। ये हमारी तीसरी क्लास है। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे थे अपने। अभी तक जो दो हमने किए हैं उसमें विकासवादी सिद्धांत किए थे, याद है ना? पहली जो दो क्लास है उनको भी देखना। विकासवादी सिद्धांत किए थे, उसमें क्या था हमारे, पहला क्या था कांट, दूसरा था लाप्लास, ठीक है। अब जो अगला सिद्धांत हमारे आएंगे वो आएंगे कैटास्ट्रोफिक थ्योरी या प्रलयवादी सिद्धांत, उनमें देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज है, प्रलयवादी सिद्धांत, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रलयवादी सिद्धांत। तो इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है टाइडल थ्योरीज ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। तो पहले हम इसमें जीन्स को देखेंगे, उसके बाद जेफरीज ने क्या परिवर्तन किया उसमें देखेंगे। मेन इसमें क्या है, जीन्स का सिद्धांत है जिसपे जेफरीज ने कुछ परिवर्तन किया था, संशोधन किया था। चलो आगे चलते हैं। जीन्स ने क्या 1919 में सिद्धांत को दिया था, किस पे थी, कुछ सर्टेन अजम्पशंस थी, कुछ पूर्व मान्यताएं थी जो उन्होंने पहले मान ली थी। जीन्स ने क्या कहा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, पहले से इन्होंने क्या किया, मान लिया। तो क्या क्या मान लिया था इन्होंने, पहला जो था क्या था, वो था सोलर सिस्टम वाज फॉर्मड फ्रॉम द सन एंड अनदर इंट्रूडिंग स्टार। किससे बना है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मतलब सौर तंत्र, एक तो सूर्य से बना है जो हमारा सूर्य है, दूसरा किससे बना है, एक जो बाहरी तारा था घुसपैठिया तारा, उससे इंट्रूडिंग मतलब घुसपैठिया तारा जो था बाहर से आया हुआ था, उन दोनों के टकराव से बनी। देखो अपने इसमें पहले देखा था, ये प्रलयवादी सिद्धांत है, इसमें कोलाइजन होता है, टकराव होता है इनमें, ठीक है। तो एक से अधिक तारे हैं इसमें, ये द्वितारक सिद्धांत है सारे सारे। तो सूर्य और एक दूसरा तारा था इससे, तो ये कौन सा हो गया, दो तारे, एक सूर्य है एक बाहर से तारा आया है, इन दोनों से इनके कारण किस क्या बना है, सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। ये पहली मान्यता थी। दूसरी मान्यता क्या थी, सन वाज कंपोज्ड ऑफ एन इनकैंडेसेंट गैसियस मास ऑफ मेटल। सूर्य क्या था, गर्म चमकीली गैसों से बना पदार्थ, गैसेस गैसीय पदार्थों से बना हुआ एक क्या था, गोला था, चमकीला था, ठीक है। तीसरी क्या है, जो जो स्टार बाहर से आया, इंट्रूडर विच वाज बिगर देन सन, ये क्या था, ये सूर्य की तुलना में काफी बड़ा था। तो तीसरी मान्यता क्या है, सूर्य छोटा था इसकी तुलना में, लेकिन जो बाहर से तार आया वो सूर्य की तुलना में बहुत बड़ा था, ठीक है। चौथी क्या मान्यता थी इसकी, चौथी मान्यता थी कि जो प्रिमिटिव सूर्य, जो प्राचीन सूर्य था, मुख्य सूर्य ये हमारा मेन, वो स्टेशनरी था, मतलब ये स्थिर था, कहीं भी आगे पीछे गति नहीं कर रहा था, कहीं परिभ्रमण पे नहीं जा रहा था, लेकिन अपनी धुरी पर क्या कर रहा था, ये जरूर घूम रहा था। जैसे हमारी पृथ्वी एक जगह दिन रात होते हैं ना, घूमते हैं परिभ्रमण करती है, तो इस तरह से अपनी धुरी पर तो घूम रहा था ये ऐसे, लेकिन इस तरह से गति कहीं नहीं कर रहा था कि किसी के चारों तरफ लगा रहा है या परिभ्रमण पथ पे नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये स्थिर था। तो ये चार मान्यताएं थी किसकी, जीन्स की। अब जीन्स इन मान्यताओं के आधार पर क्या करता है, अपना सिद्धांत देता है, क्या देता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर वाज इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन ड्यू टू द मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार। सिंपल है, चार लाइन में पूरी कहानी सुना रही है कि ये जो सूर्य है और ये बाहर से जो तारा आया है इंट्रूडिंग स्टार, देखा ना कि बाहर का तारा है जो बहुत बड़ा है सूर्य की तुलना में, सूर्य खड़ा है, स्थिर है, ठीक है, गति नहीं कर रहा है, और ये बाहर से इस तरह से आया है, इसका ये भ्रमण पथ है। अब ये आया है तो इससे क्या होगा, इसके इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा लगेगा किस पे, सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य छोटा है। तो सूर्य से क्या होगा, सूर्य की जो सतह है उससे काफी बड़ा पदार्थ क्या होगा, इस तरह खींच के सूर्य से अलग हो जाएगा और वो बिखर जाएगा, ठीक है। तो परिमिटिव सूर्य से क्या हो जाएगा, जो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है तो उसकी तुलना, उससे क्या होगा, सूर्य का जो एक बड़ा हिस्सा है पदार्थ का, वो क्या होगा, सूर्य से अलग हो जाएगा, ठीक है, सूर्य से अलग होके यहां बिखर जाएगा पूरा पूरा। तो आगे क्या होगा फिर, दिस इजेक्टेड मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अदर स्टार इंस्टीड ऑफ फॉलिंग बैक इन टू द सन
assume the path around it and later into condensation to form up. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो तारा था, ये जो पदार्थ था, ये क्या होगा, ये जब ये तारा वापस आगे चला गया, बड़ा वाला तारा जो बाहर से आया था, तो सूर्य से जो पदार्थ अलग हुआ गुरुत्वाकर्षण कारण, वो सूर्य के ऊपर वापस नहीं गिरा, वापस नहीं गिर के क्या हो गया, सूर्य के चारों तरफ बिखर गया इस तरह. ठीक है, इस तरह चारों तरफ बिखर गया, बिखर के फैल गया. ठीक है, समय के साथ क्या होगा, जो जो ये पदार्थ फैल गया था बाहर, ये क्या कर, ये देखो, ए पथ अराउंड एंड लेटर कंडेंस टू फॉर्म दी वेरियस प्लेनेट्स. बाद में क्या होगा, जो पदार्थ फैला था ये धीरे धीरे किस में बदल गया, ये ग्रहों में बदल गया, धीरे धीरे जम जम के क्या हो गया, ग्रहों में बदल गया, अलग अलग तरह के. इस तरह से क्या होगा, इन दिस वे सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्ट. और जो बीच का पदार्थ, जो बीच का था, वो सूर्य तो बच ही गया, और जो पदार्थ बाहर बिखरा वो क्या हो गया, अलग अलग तरह के ग्रह और उपग्रह बन गए. ये क्यों, कौन कहता है, ये जीन्स कहता है. ठीक है, अब इसको जेफरीज नहीं मानेगा, जेफरीज क्या करता है, इसमें परिवर्तन करेगा. ठीक है, जेफरीज क्या करेगा, इसको मॉडिफाई कर देगा, मतलब संशोधित कर देगा इस सिद्धांत को. क्यों, क्योंकि जीन्स ने क्या माना है, दो तारे, एक सूर्य था, एक बाहर से आया. ये क्या करेगा, ये एक सिद्धांत है कोलाइजन हाइपोथेसिस, टकराव का सिद्धांत. ठीक है, इसमें क्या कहेगा, दो के बजाय तीन मान लेगा, तीन तारे माने. अकॉर्डिंग टू हिम देयर वर थ्री स्टार. ठीक है, तीन तारे थे, वन वाज प्रिमिटिव सन, एक नंबर. ठीक है, अनदर वाज कंपेनियन स्टार, जो इसके साथ में था सूर्य के, और तीसरा इंट्रूडिंग स्टार. ठीक है, तीन हो गया. तो एक तो सूर्य था, एक सूर्य का दोस्त था, साथी था, एक आया बाहर से, तो एक दो तीन तारे हो गए. ठीक है, तो जीन्स ने दो माने, जेफरी ने तीन तारे माने. ठीक है, जो बाहर से तारा आया, ये क्या करेगा, ये इसमें टकराएगा, सूर्य से नहीं टकराएगा. जीन्स ने क्या कहा था, सूर्य से पदार्थ निकला, लेकिन जेफरी क्या कह रहे हैं, जो बाहर से तारा आया तीन नंबर का, दो तार नंबर के तारे में टकराया, एक नंबर के तारे को उसने छेड़ा ही नहीं. एक नंबर तारा हमारा कौन है, सूर्य है. ठीक है, तो इसको छेड़ा ही नहीं, इसके साथ टकराया, और बहुत सारा जो डेब्रिस निकला, कचरा निकला, पदार्थ निकला, इससे किससे, कंपेनियन स्टार से, जो सूर्य का साथी तारा था उससे निकला. ठीक है, और इसमें इससे बिखर गए, ये तो फिर आगे चला गया तीन नंबर तारा. तो फिर ये जो बिखरा पदार्थ था वो क्या करने लग गया, सूर्य के चारों तरफ फैल गया. ठीक है, सूर्य के चारों तरफ फैल गया, फैल के क्या बन गया, फिर वही ग्रहों के रूप में बन गए. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, चलो, थैंक यू, मजे करो. तो ये हमारा दूसरा हो गया. तो इसमें अपने क्या क्या सीखा, जेफरीज में पहले जीन्स का देखो, जीन्स ने क्या बताया, दो तारे, एक सूर्य था, दूसरा उसके साथी तारा था. ठीक है, सूर्य में से क्या निकल गया, पदार्थ निकला, साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण कारण. बाद में क्या होगा, ये आगे चला गया, तो ये पदार्थ से चारों तरफ बिखर गया, और वो एक ग्रह उपग्रह बन गए. जेफरीज ने क्या परिवर्तन किया, जेफरीज का सूर्य था, साथी था, और एक तारा बाहर से आया, बाहर से आया, वो इसमें टकरा गया और टक्कर मार के आगे निकल गया. ठीक है, तो ये जो पदार्थ बिखरा, ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गया, और ग्रह और उपग्रह बन गए. दोनों में इतना अंतर है, जीन्स दो तारे मानता है, जेफरीज तीन तारे मानता है. ठीक है, तो ये हमारा विनाशकारी या परलयवादी सिद्धांत का पहला पक्ष था, जिसमें अपने जीन्स एंड जेफरीज का देखा. अगला जो होगा हमारे चैम्बरलेन का होगा, जिसको अपने अगली क्लास में देखेंगे. चलो ठीक है.